नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 150 रुपये के सिक्के के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया कि हाई डिनोमिनेशंस के कॉइन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पे निकालती रहती है डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 150 रुपये के सिक्के के बारे में। तो देखते हैं 150 रुपये के सिक्के की जानकारी। तो दोस्तों, 150 रुपये का सिक्का इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला था। अब ये क्यों निकाला था, किस मौके पर निकाला था, इसकी जानकारी मैं आज आपको वीडियो में दूंगा। इसकी सही कीमत क्या है और इसे आपको कलेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये 150 रुपये का सिक्का है जो इंडियन गवर्नमेंट ने सन 2011 में निकाला था। ये सिक्का निकाला गया था सर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जब 150वां जन्मदिन था तो ये सिक्का निकाला गया था। अगर आप इस सेट के देखिए कवर पर देखेंगे तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कॉइन है। रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती, ये देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम थोड़ी सा विवरण दें आपको, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने काफ़ी लिटरेचर लिखा, उन्होंने काफ़ी वो पोइट, जाने माने विश्वविख्यात पोइट थे। उनका सबसे मशहूर पोइट गीतांजलि, गोरा, घर बाहरे, ये आपने ज़रूर इनके नाम सुने होंगे। और इसीलिए उनके लिटरेचर के लिए उनको नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर में 1913 में सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, ये सिक्का इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में जब रविंद्रनाथ टैगोर का 150वां जन्मदिन मनाया जा रहा था तब ये निकाला। इसमें एक तरफ 150 रुपये और इसके साथ एक 5 रुपये का कॉइन भी निकाला था। अगर मैं इसको पलट देता हूँ दोस्तों, देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का पिक्चर है और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 150 रुपये का कॉइन है। 1861 से 2011 यानी 1861 में इनका जन्म हुआ है और 2011 में इनकी मृत्यु हुई है। और सेम कॉइन 5 रुपये में भी आया है दोस्तों। ये कॉइन सर्कुलेशन में आपने देखा होगा, लेकिन ये UNC के साथ भी है। अब इस कॉइन की देखिए स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर देखिए डिटेल्स में लिखी है। इस कॉइन के अंदर कितनी चांदी है, तांबा है, निकल है, पूरी डिटेल दी गई है। और ये किसने निकाला था, इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला था। सिक्के मुद्रित एवं प्रकाशित भारत सरकार, टकसाल, कोलकाता। ये 2011 में निकाला गया सेट है दोस्तों। इस पर एक तरफ स्टार्टिंग में रविंद्रनाथ टैगोर का पिक्चर है और बैक साइड में भी उनके डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं, उनके बुढ़ापे के पिक्चर और उनकी जवानी के पिक्चर्स। तो दोस्तों, इस सेट की कीमत है आज की डेट में 3500 से 4000 अगर UNC है, और अगर ये प्रूफ सेट है तो इसकी कीमत है 4000 से 5000 रुपये। अगर आप UNC सेट यानी हाई डिनोमिनेशन के जो सेट्स होते हैं, जिन्हें हम UNC इन प्रूफ सेट्स बोलते हैं, आप कलेक्ट करते हैं तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग डिनोमिनेशन का सिक्का है, 150 रुपये का सिक्का है। तो ये दोस्तों आपको ज़रूर कलेक्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और कॉइन, करेंसी या नोट के ऊपर कोई भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में जाकर सीधा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।